पहले अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर ही 13 शतक और अब जड़ दिया है दोहरा शतक। बिहार का एक 23 साल का बल्लेबाज इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है। इस बल्लेबाज के प्रदर्शन की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। गेंदबाज इस बल्लेबाज से डर रहे हैं और आलम तो यह है कि इस बल्लेबाज की 75 रनों की बल्लेबाजी की औसत के साथ अब इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया में भी अपनी एंट्री के लिए मजबूत दावा पेश कर दिया है। तो आखिर कौन है ये बल्लेबाज जिसने खटखटाया है टीम इंडिया का दरवाजा? क्या वाकई में टीम इंडिया में होने वाली है इस 23 साल के बिहारी बाबू की एंट्री? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में 100 बनाने वाले 23 साल के साकिब अल गनी ने एक बार फिर दोहरा शतक जमाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रणजी ट्रॉफी में बिहार और मणिपुर के बीच खेले गए मैच में साकिब अल गनी ने दोहरा शतक बनाकर अपनी टीम के लिए बड़े हीरो की भूमिका निभाई है। बिहार के मोतिहारी में रहने वाले साकिब अल गनी मैच की पहली पारी में 238 गेंदों पर शानदार 205 रनों की पारी खेलकर बिहार की टीम के हीरो साबित हुए। अपनी इस पारी में गनी ने बल्ले से कुल 29 चौके और 2 आतिशी छक्के भी लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने दोहरे शतक से गनी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। बड़ी बात यह है कि साकिब अल गनी ने इस उपलब्धि को सिर्फ 15 मैचों में ही हासिल कर लिया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले साल ही गनी ने अपना डेब्यू किया था और मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर गनी ने 405 गेंदों पर 341 रन बनाए थे। गौरतलब है कि अपनी शानदार बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के दम पर बिहार से ही आने वाले ईशान किशन पहले ही टीम इंडिया में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि साकिब अल गनी विकेट कीपिंग तो नहीं करते, लेकिन अपनी बल्लेबाजी के दम पर वो यकीनन टीम इंडिया में एंट्री पाने का दावा पेश कर सकते हैं। बात करें साकिब अल गनी के क्रिकेट करियर की, तो गनी ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में 9 फर्स्ट क्लास मैच, 21 लिस्ट ए मैच और 17 T20 मैच खेले हैं, जिनमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो 74.84 की शानदार औसत से कुल 973 रन बना चुके हैं। इसमें 4 हाफ सेंचुरीज और 2 शतक शामिल हैं। साकिब अल गनी ने लिस्ट ए में 27.22 की औसत से शानदार 490 रन बनाए हैं। इसके अलावा T20 में भी गनी के नाम 27.66 की औसत से कुल 332 रन हैं। हकीकत तो ये है कि साकिब अल गनी ने भी सरफराज खान की ही तरह छोटी सी ही उम्र में घरेलू क्रिकेट में अपने बेहतरीन खेल से अलग पहचान बना ली है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर साकिब अल का घरेलू क्रिकेट में ऐसा ही प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रहता है तो वो टीम इंडिया में भी मौका पाने के भविष्य में मजबूत दावेदार बन जाएंगे। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कॉन्ट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है न्यूज 24/7।